अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और देखिए कौन आया है हमारे यहाँ पर, और आज है मुहर्रम की 7 तारीख। हम तो बेंगलोर से आए ताजी करने के लिए, ताजी देखने आए अपने मायके में। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जो चलता आ रहा है सब लोग वही करते हैं। और ये हमारे यहाँ का ताजिया, जो वहाँ पे गए हुए हैं, जो सेली वगैरह पहनते हैं, जाल वगैरह उस पर फाते लगाने के लिए गए हुए हैं। शरबत वगैरह बना दिया था, कबूली बनाई थी, और मीठे में रेवड़ी वगैरह ले आए थे। और ये देखिए आज है 7 तारीख। ये साइड से जो परचम रखा हुआ है, अलम बोलते हैं इसको, ये जाएगा आज घूमने के लिए बाजार तक। सब लोग इसके साथ में ही जाएंगे। और फिर देख के वहाँ पर फातिहा हो गई थी, और जो लंगर वगैरह था वो सारा बांट के फिर घर आ गए हैं। अब ये जाल वगैरह पहना रहे हैं सब लोगों को, बच्चों को, बड़ों को। बड़ों को तो खैर सेली पहनाई हुई थी, और ये जाल वगैरह पहना दिए थे। ये रियान है हमारी बड़ी नंद का लड़का, जो आप लोग वैसे जानते हो। और ये देख के अब शायद को पहनाएंगे। शायद शुरू से पहनता आ रहा है इसलिए, और मैंने इतना अपने आप को रोका कि मैं शरबत ना पीऊँ, मीठा ना खाऊँ, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। थोड़ा बहुत खाने से मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बैठ गई है। आप लोगों को वॉइस ओवर देते टाइम भी बहुत दिक्कत हो रही थी इसलिए। और देखिए मेरे को कोल्ड हो गया है। और ये है सेली जो बच्चों के लिए लाए हुए थे, सब बच्चों के लिए। और ये आरज को दादी ने पहना दी है सेली, और ये देखिए सबों को पहनाएंगे, और इनको भी पहना दी है। अब जो चलता आ रहा है वो कर रहे हैं, और जब बिल्कुल ही मना हो जाएगी तो फिर बंद कर देंगे। लेकिन जी सोचते हैं कहीं कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, परेशानी नहीं हो जाए, इसलिए बच्चों के लिए जाल मंगाया हुआ था छोटा वाला, और अब बारिश को पहनाएंगी। ये देखो, चलिए तो फिर चलते हैं। और हाँ, हम चची हैं हमारे बगल में, उसने अच्छी, उनके 3 लड़कियों के बाद अल्लाह ने उनको बेटा दिया है, उनको बेटे से नवाजा है अल्लाह ने। तो ये लड़का है उनका, इसके ऊपर का सेरा बोला हुआ था, उन्हें ताजी पे सेरा चढ़ाएंगे। तो ये तो मुझे पता नहीं है कि कितने किलो का है वो। ये है ब्लैक चद्दर में, इनके हुआ है बेटा, ये है हमारी चची। और इनके बेटे को अल्लाह अच्छी लंबी उम्र दराजे, उसके नसीब बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखो इतना वजनदार सेरा था कि उसको बहुत एहतियात के साथ में ताजी पे बांधा गया था, क्योंकि वजन काफ़ी था उसमें। तो ये पकड़ के खड़े हुए हैं सेरे को, और अहमद चाचा उसको बांध रहे हैं। चलिए तो सेरा वगैरह बन गया है, और वहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि सेरा बनने में बहुत दिक्कत दे रहा था, बन नहीं पा रहा था वजन की वजह से। तो हम सब लोग वही चीज़ देख रहे थे। और फिर जब सेरा चढ़ गया, अच्छे से बन गया, फिर हम लौट कर अपने गेट पे वापस आ गए। और वहाँ आकर देखा तो अखाड़ा स्टार्ट हो गया था, लेकिन हमारे तरफ ज़्यादा हैवी अखाड़ा नहीं होता है, बच्चे ही फिराते रहते हैं। ये देखो ये फिरा रहे हैं, और उसने उलझा भी दिया। चलिए तो देख वगैरह तो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 10 या 11 का टाइम है ये। और हम सब लोग वहीं खड़े हुए थे, और हमारी जो सास और नंदे वगैरह आई हुई थी, तो वो वहीं से निकल जाएंगी। हम जाएंगे तो देखने के लिए। ये देख के परचम भी उठ गया है, यानी अलम उठ गया है। अब ये घूमने जाएगा, इसके साथ सारे जेंट्स वगैरह जाएंगे।
हमारे यहाँ 7 तारीख को जाता है घूमने के लिए, और बहुत बहुत गर्मी हो रही थी इस टाइम पर। मैं गर्मी के मारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। चलिए तो आपको मैं क्लियर दिखाती हूँ कि किसके ऊपर का सेहरा था। इसके ऊपर का सेहरा था, ये चच्ची का लड़का माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट है। ये चच्चा पर गया है, ये देखो, और बहुत ही चलिए तो ये देखो, मैं तो परेशान होकर बैठ गई थी गर्मी की वजह से। चलो तो फिर चलते हैं। और मुझे पूरी वीडियो में वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ा क्योंकि साउंड वगैरह चल रहे थे तो कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने पूरी वीडियो में वॉइस ओवर दिया है। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी वॉइस ओवर देते देते, क्योंकि वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, और फिर आप लोग ऊपर से वॉच ना करो तो मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करो, बिना स्किप किए देखा करो, और वीडियो पसंद आया करे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो मेरे लिए। चलिए तो फिर चलते हैं आगे। और ये परचम चल दिया है, यानी आलम और सारे जेंट्स लोग, लेडीज़ है इसके साथ। तो खैर लेडीज़ लोग तो गई हुई थी, लेकिन थोड़ी दूर पे एक ताजिया या दो रखे हुए थे तो वो वहाँ तक गई हुई थी साथ में, तो वो ताजिया देखने चली गई और मैं भी चली गई थी। और जेंट्स या बच्चे तो वो उसके साथ में चले गए थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में भी 5 से 6 ताजिए रखते हैं और थोड़ी दूर पर भी ताजिए रखे जाते हैं 2 या 3। तो हम लोग वहाँ चले गए थे देखने, लेकिन 7 हो गया था, इसलिए ये ताजिया है जो मैं देखने के लिए परचम के साथ में आ गई थी। और ये खुशबू खड़ी हुई है जो अभी लंगर बांटने में बिजी है, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। मैंने छोटी सी क्लिप शूट की है और माशाल्लाह से बहुत ही हसमुख और बहुत ही क्यूट, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। रिजा है, खुशबू है, और मैं लड़कियों के नाम नहीं जानती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं बहुत ही प्यारे प्यारे, ये देखिए ये लोग हैं सब। ये है खुशबू, ये है रिजा, और ये इनकी फ्रेंड वगैरह हैं जो मैं इनके नाम नहीं जानती हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सारे, मुझे जहाँ देखते हैं बहुत सारी बहुत सारा प्यार करते हैं। और ये देखिए कुछ बोल रही थी खुशबू कि हमारी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वीडियो बनाती हैं, लेकिन मुझे इस जगह आवाज़ म्यूट इसलिए करना पड़ी क्योंकि वहाँ पर भी साउंड चल रहा था, इसलिए मैं तो बहुत परेशान हो गई थी साउंड वगैरह से, क्योंकि मुझे सारा वॉइस ओवर करना पड़ा। इसलिए अगर कहीं बंद होता तो मैं रियल आवाज़ रखती। चलिए तो इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ, बहुत जल्द मिलती हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।